दोस्तों, भारतीय कार मार्केट में SUV का दबदबा पूरी तरह बढ़ चुका है और अगर SUV में 4x4 SUV हो तो क्या ही कहने। ऐसे में महिंद्रा ने अपने थार को 4x4 के साथ लॉन्च की हुई है और थार बिक भी काफी रही है। तो अब थार को कंपटीशन देने के लिए मारुति सुजुकी ने अपनी जिमनी को भारतीय कार मार्केट में उतारा है। तो अगर आप जिमनी से रिलेटेड हर एक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूट्यूब पर ये चैनल अभी नया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो सबसे पहले हम जिमनी के एक्सटीरियर की बात करते हैं। तो जिमनी को पूरी तरह से बॉक्सी लुक दिया गया है। फ्रंट से देखने पर ये पुरानी वाली जिप्सी की याद दिलाती है। हेडलैम्प राउंड शेप में दिया गया है, साथ में हेडलैम्प की सफाई के लिए वॉशर भी दिए गए हैं और फॉग लैम्प नीचे बम्पर में दिया गया है। साथ ही साथ फ्रंट में काफी ज्यादा क्रोम का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे देखने में ये काफी अच्छी लगती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले जिमनी 15 इंच के एलॉय व्हील दिए गए हैं और 210 mm का भारी भरकम ग्राउंड क्लियरेंस भी दिया गया है, जिससे आप जिमनी को कितनी भी खराब रास्तों पर आसानी से चला सकते हैं। जिमनी का ग्लास एरिया और ORVM भी काफी बड़ा है, जिसके कारण विजिबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है। रेयर से देखने पर जिमनी एक प्रॉपर SUV दिखती है। इसके बैक लाइट नीचे बम्पर में दिए गए हैं, साथ में बम्पर में सेंसर और टोइंग हुक भी दिए हुए हैं। जिमनी की स्टेपनी अलग से पीछे दी हुई है। अब इंटीरियर से देखने पर जिमनी की कॉस्ट कटिंग खुल के सामने आ जाती है। वैसे इसे अंदर से भी काफी रफ एंड टफ बनाने की कोशिश की गई है, जिस कारण से इसमें कहीं भी स्टोरेज स्पेस का ध्यान ही नहीं दिया गया। ग्लो बॉक्स भी काफी छोटे कर दिए गए हैं और मारुति वाले शायद जिमनी के फ्रंट में बॉटल होल्डर देना भूल गए हैं। इंस्ट्रूमेंट पैनल एनालॉग दिए गए हैं, लेकिन 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है। ऑटोमेटिक डे एंड नाइट ORVM जरूर दिए गए हैं, साथ में फ्रंट की सीट काफी टेबल है। जिमनी की ड्राइव की बात करें तो ऑफ रोडिंग के लिए ये काफी बेहतरीन है। मारुति ने जिमनी का माइलेज 16 किलोमीटर पर लीटर क्लेम की है। साथ ही सेफ्टी के फीचर्स भी काफी दिए गए हैं, जिसमें 6 एयरबैग भी शामिल हैं। ओवरऑल कहें तो जिमनी ऑफ रोडिंग के लिए और कम सम सिटी के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन जाता है। तो अब आपसे एक सवाल मेरी तरफ से ये है कि अगर आपको जिमनी एंड थार में से किसी एक को प्रेफर करना है तो आप किसे चुनेंगे, ये आप हमें कमेंट में बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। धन्यवाद।